अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आप अभी बच्चा नहीं चाहती हैं, या फिर बहुत ज्यादा करियर स्टिक है, पहले अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, उसके बाद ही आप फैमिली प्लान करना चाहती हैं, अनचाही प्रेगनेंसी हो गई है ऐसे में, तो आप इस प्रेगनेंसी को कैसे घर पे प्राकृतिक तरीके से समाप्त कर सकती हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इन नुस्खों को फॉलो करिए घर पे ही और नेचुरल तरीके से, और बहुत ही इफेक्टिवली ये काम करते हैं। एक बात दोस्तों पहले क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से ऊपर की हो चुकी है, तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह पर ही गर्भपात कराएं, अबॉर्शन की रिस्क लीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, या फिर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं, तो इसका एक लाइव सेशन भी मैं आपके लिए रखूंगी, जिसका अपडेट आपको कम्युनिटी के नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। अगर आपके कोई जरूरी सवाल होंगे तो फास्ट रिप्लाई के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए पहली जो चीज आपको सेवन में लेनी है वो है खट्टे फल। फलों में अगर आप खट्टे खट्टे फलों को खाते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में, यानी कि जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है, और विटामिन सी जो होता है वो गर्भपात का प्रेरक होता है। तो जैसा कि कहा भी जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, ज्यादा खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है, और कच्चा पपीता तो आपको खासतौर पे नहीं खाना होता है। लेकिन अगर आप गर्भपात चाहती हैं तो आप इस दौरान कच्चा पपीता जरूर खाइए। आप सुबह उठ के अगर खाली पेट कच्चा पपीता खा लेती हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और तुरंत आपका गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा आप दिन भर खट्टे फल खाते रहें, शाम को भी आप नींबू का जूस पी सकते हैं, संतरा इत्यादि खाइए। दूसरी चीज है दोस्तों इस दौरान अजवाइन और हींग, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गर्म प्रवृत्ति की होती है। अगर आप अजवाइन और हींग का पानी पी लेती हैं तो ये जो है आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा देता है। तो सुबह के समय खाली पेट आप इनका सेवन करिए, जिससे कि आपको संकुचन होने लगते हैं और आपकी अनचाही प्रेगनेंसी समाप्त हो जाती है। तीसरी चीज दोस्तों इस दौरान अगर आप ड्राई फ्रूट्स बहुत अधिक मात्रा में खाती हैं तो ये भी आपके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स अपने आप में काफी ज्यादा गर्म होते हैं, और कहा भी जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक ड्राई फ्रूट्स का सेवन ना करें। तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है, और साथ ही अगर आप कॉफी का सेवन करती हैं तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके गर्भ गिराने का कारक होती है। इन चीजों का सेवन आपको तब तक करना है जब तक कि आपके पेट में संकुचन स्टार्ट नहीं हो गया, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, और ब्लीडिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि आपका गर्भ गिर गया है। तो इस तरीके घर पे प्राकृतिक तरीके से आप आराम से अपनी अनचाही प्रेगनेंसी को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपको पता चल चुका है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो इसके 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर ही आप इन नुस्खों को करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ रहा है तो ये उतने ज्यादा कारगर नहीं होंगे, और प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद तो आपको अबॉर्शन करवाना भी नहीं चाहिए। आई होप कि जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।